नमस्कार, वेब दुनिया के ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए नई जानकारी लेकर आए हैं। शुक्र अपनी स्वराशि को त्याग कर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर चुका है और ये 21 अगस्त 2017 तक इसी राशि में रहेगा। 12 राशियों पर कैसा होगा इस राशि परिवर्तन का प्रभाव, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह स्थिति तृतीय पराक्रम भाव में होने से पराक्रम के द्वारा लाभ होगा, दैनिक व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी, भोग विलास पर खर्च होगा। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र द्वितीय भाव से भ्रमण कर रहा है, अतः वाणी द्वारा धन का लाभ होगा व कुटुंबियों पर खर्च होगा, धन के मामलों में सावधानी रखना होगी। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र लग्न में भ्रमण कर रहा है, अतः सेक्स की भावना प्रबल होगी व मनोरंजन पर खर्च हो सकता है, यात्रा के योग बनने से धन का व्यय भी होगा। कर्क राशि वालों के लिए द्वादश भाव में भ्रमण करने से आय के साथ साथ व्यय भी अधिक रहेगा, पारिवारिक मामलों में खर्च रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव से भ्रमण करने से पराक्रम द्वारा नौकरी, व्यवसाय व राजनीति में भाइयों से लाभ की संभावना रहेगी, शेयर बाजार से भी लाभ मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए दशम भाव से भ्रमण होने से भाग्य बल द्वारा नौकरी में लाभ के योग बनेंगे, पर गलत तरीके से कमाई न करें, धन कुटुंबियों पर खर्च होगा। तुला राशि वालों के लिए तृतीय भाव में शुक्र का भ्रमण होने से कठिनाइयों के बाद सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, भाग्य बल द्वारा कार्य में प्रगति आएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का भ्रमण अष्टम भाव में होने से बाहरी मामलों में सावधानी रखना होगी, यात्रा संभल कर करें, जीवन साथी से विवाद की आशंका रहेगी। धनु राशि में सप्तम भाव से भ्रमण करने से अपने जीवन साथी द्वारा आय के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन खर्च बीमारियों पर भी हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए षष्ठ भाव में भ्रमण करने से व्यापार व्यवसाय में संभल कर चलना होगा, संतान के मामलों में खर्च होगा, पिता से लाभ की संभावना रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम में भ्रमण करने से संतान सुख, मनोरंजन पर खर्च, परिवार में शुभ कार्य, भाग्य में वृद्धि व लाभदायक स्थिति बनेगी। मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में भ्रमण करने से आर्थिक खर्च परिवार पर होगा, संताप की संभावना रह सकती है, माता को कष्ट व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। शुक्र का यदि आपकी राशि पर अशुभ प्रभाव हो तो प्रति शुक्रवार को स्नान करने के बाद जल में एक चम्मच दही डालकर नहाएं व शुभ परिणाम में वृद्धि हेतु लक्ष्मी जी के मंदिर में एक कटोरी शक्कर भरकर शुक्रवार को रखाएं। शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्याओं को जो 5 वर्ष से अधिक की न हो उन्हें खीर खिलाएं। इस प्रकार शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। तो ये थी शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश होने पर 12 राशियों के लिए उनका भविष्यफल। तो इसी तरह नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए webdunia.com।